सीतापाटा मंदिर की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खबर खनियादाना तहसील क्षेत्र से है, जहां खनियादाना में स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कर्मस्थली और प्राचीन शिव मंदिर की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे मंदिर समिति और भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मंदिर समिति ने निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया, पर अतिक्रमणकारी लड़ने पर उतारू हो गए, जिससे मंदिर समिति और सैकड़ों भक्तों में रोष व्याप्त हो गया और आज सैकड़ों भक्तों सहित मंदिर समिति के लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। साथ ही खनियादाना तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। तहसीलदार ने ज्ञापन लेकर मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करके हो रहे निर्माण कार्य को रोकने और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व भी इस तरह के मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर भी आवेदन दे चुके थे। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि अगर प्रशासन ने निर्माण कार्य को नहीं रुकवाया और अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही नहीं की तो हम सभी लोग नगर में आक्रोश रैली निकाल कर आंदोलन करेंगे। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। अजीत यादव, आज जो ज्ञापन लेने तहसील में आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है कि जो वहाँ पे सीतापाटा प्रांगण है या सीतापाटा मंदिर के लिए जो जमीन पहले से सभी समिति द्वारा आरक्षित की गई थी या जो पूर्व में नेता वगैरह थे उनने आरक्षित की थी कि यह मंदिर के लिए जमीन है, और उस जमीन पे कोई दबंग प्रकार के लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे निर्माण भी चल रहा है अभी, तो उसको रुकवाने के लिए हम लोग सब लोग ज्ञापन देने आए हैं। और यदि प्रशासन या यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, यदि वो जैसे जमीन आरक्षित कर रहे हैं तो फिर सभी समाजों को करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी साधु समाज के लिए दे दी, जैन समाज के लिए दे दी, लोधी समाज के लिए दे दी, तो फिर और भी तो समाज है, सोनी समाज है, ब्राह्मण समाज है, ऐसी बहुत सी समाजों के लिए देना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में सैन समाज के लिए के मंदिर है, साधु समाज के मंदिर है, वाल्मीकि समाज के मंदिर है, केवट समाज के मंदिर है, ऐसे जो समाज रहेंगे यहाँ पे उनको दी जाए या फिर ये कब्जा हटवाया जाए। इस विषय को लेकर किन किन अधिकारियों को अवगत कराया है? अभी हमने तहसीलदार को पूर्व में भी अवगत कराया था, एसडीएम साहब को भी कराया था, और आज फिर आए तहसीलदार साहब ने मुझे फोन पे आश्वासन दिया है कि मैं वहाँ पे कब्जा हटवाऊंगा और पुलिस प्रशासन लेके वो मटेरियल फेंकवाऊंगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या कदम उठाएंगे? मांगे हम आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलनकारी लोग हैं। त्रिलोक सिंह यादव, ये जो आपने एक तहसील का अभी एक ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? बदा पे चंद्रशेखर आज कर्मस्थली में सीतापाटा मंदिर पर जो शासकीय भूमि में कब्जा करने चाहे थे जबरदस्ती लोग। कौन कब्जा कर रहा है? ऐसे जो लोग हैं कई दमंग लोग हैं, वो लोग जो कहते हैं कब्जा कर रहे हैं, मेरे रोड पर जगह लगा चुकी और दीवार भी तैयार हो गई। कुछ कब्जा करने वाले लोग बाहरी है, क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग जो चाहते हैं चंद्रशेखर उसको हटना चाहिए और जो मंदिर की शासकीय भूमि है जो जमीन बहुत सुरक्षित रहना चाहिए, मंदिर सीतापाटा के नाम रहना चाहिए।